मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक बच्चे के संघर्ष की कहानी है, कैसे वो एक हिंदी मीडियम के स्कूल से लेकर IIT खड़गपुर तक का रास्ता तय करता है। और ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की कहानी है, तो मैं इसको आपको सबसे ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। और आज के वीडियो स्पेशल भी है क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए हैं आप लोगों के प्यार के कारण, और अभी तक तो हमें बहुत ज्यादा दूर तक जाना है। तो अगर जो ये मेरी वीडियोस हैं ये आपके जीवन में कुछ भी पॉजिटिविटी ला पा रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि आप IIT गए तो क्या आपके लाइफ में भी ऐसी दिक्कतें आती थी कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्या होता था। तो मैंने सोचा है कि मैं इसके ऊपर कुछ सीरीज में एक दो वीडियोस में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि मेरे खुद के जीवन में क्या क्या हुआ जब मैं खुद IIT के लिए तैयारी करने की सोच रहा था। तो शुरुआत होती है 5th class से। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास अगले 15 से 20 मिनट का समय नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो मैं खुद ये आपको बहुत अच्छे दावे के साथ कह सकता हूँ, बेटा आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके अंदर एक इतना मोटिवेशन आ जाएगा कुछ करने के लिए कि आपको लगेगा कि हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करने लग रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी मेहनत करने के लिए, ये एक ही सफिशियंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये बात जब से शुरू होती है जब मैं 5th class में था। तो 5th class तक मैं हिंदी मीडियम में हरियाणा बोर्ड में पढ़ाई करता था, अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई किया करता था, और 5th class तक मैं हरदम फर्स्ट आता था। तो घर वालों को लगा कि बच्चा अच्छा हमारा पढ़ाई में, तो क्यों नहीं इसको थोड़ा सा और मौका दिया जाए। अब जब ये मौके देने की बात आई तो ऑब्वियसली हिंदी मीडियम से अगला मौका क्या रहेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाना। हमारे गाँव में कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था उस टाइम तक, तो क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे और हमारे घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का जहां पे एरिया है पूरा, और उस जगह पे जो आर्मी के बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स आर्मी में रहते हैं उन बच्चों के लिए भी स्कूल है, वो स्कूल इंग्लिश मीडियम है। तो पापा ने सोचा है कि चलो अभी ना इसका एडमिशन वहां पे करवाते हैं। अब ये एडमिशन के लिए हम गए वहां पे, टेस्ट देने लगे तो पहला दिन टेस्ट दिया, दूसरे दिन टेस्ट दिया, और तीसरे दिन जब मैं टेस्ट लिख रहा था तो क्या हुआ, टेस्ट के बीच में अचानक से एक टीचर आते हैं वहां पे और वो आके मुझे कहते हैं कि आपका नाम सुमित है। मैं बोला जी सर। तो बोले चलिए हमारे साथ चलिए, तो मैं चला गया उनके साथ। तो वो मुझे लेके गए ऑफिस के अंदर, वहां पे जाके उन्होंने कहा कि देखिए आप ये टेस्ट नहीं दे सकते हैं। अब मैंने बोला क्यों नहीं दे सकता, मैं तो बहुत ही छोटा था उस टाइम पे, 5th class में था, मैं डर गया क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप अंडर एज हैं, मीन्स आपकी एक सर्टेन एज होनी चाहिए थी, आप उससे एक साल छोटे हैं अभी तक 6th class में जाने के लिए, तो आपको अगर हम एडमिशन देंगे तो हम आपको 5th class में एडमिशन देंगे, तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप ये टेस्ट दे दीजिए। तो मैं बाहर आ गया, बाहर पापा वेट करने लग रहे थे, मैंने बताया कि उन्होंने ऐसा ऐसा कह दिया, तो पापा बोले चलो 5th में एडमिशन ले लो। मैं बोला नहीं, मैं तो अपने एक साल खराब नहीं कर सकता। तो पापा बोले कि ठीक है तो दूसरे स्कूल में चलते हैं। अभी दूसरा स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल, तो हमारे गांव से ही थोड़ी सी दूर 3-4 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव है, उसके अंदर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो मैं और पापा वहां पे गए, वहां पे जब जाके और मैं टेस्ट देने लगा तब मुझे अपनी औकात का पता चला, क्योंकि अभी तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए आया था और हिंदी मीडियम में क्या रहता था कि सिर्फ एक ही बुक थी जो इंग्लिश की थी, दैट वाज इटसेल्फ इंग्लिश सब्जेक्ट। तो उसके अलावा कोई और बुक इंग्लिश में नहीं थी, मैथ्स SST सब कुछ हिंदी में ही था। लेकिन मैं यहां पे पहुंचा तो जो मेरा टेस्ट हुआ उस टेस्ट में सब कुछ इंग्लिश में था, मैथ्स भी इंग्लिश में, साइंस भी इंग्लिश में, और इंग्लिश तो इंग्लिश में थी। अब ये जब मैंने टेस्ट दिए तो मुझे अभी भी ध्यान है कि मेरे 25 में से मैथ में लगभग 22 के आसपास मार्क्स आए थे, साइंस में मेरे नंबर कुछ 10 के आसपास आए थे, और इंग्लिश में तो मेरे नंबर 2 ही आए थे। अब स्कूल वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि आपका तो एडमिशन हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपने तो टेस्ट ही ढंग से क्वालिफाई नहीं किया। अब ये सुन के और हम लोग वापिस आ गए। जब हम लोग वापिस आ रहे थे तो मेरे पापा वापिस रास्ते में आने लग रहे थे, आधा रास्ता हम लोग आ चुके थे लगभग, पैदल आ रहे थे, और मैं आधे रास्ते में रोने लग गया। तो मेरे पापा कहते क्या हुआ, मैंने कहा कि एक्चुअली मुझे इसी स्कूल में एडमिशन लेना है। तो बोले बेटा लेकिन वो तो आपका एडमिशन दे ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपने टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं किया। मैं बोला मैं को चलिए एक बार रिक्वेस्ट तो आप करके देखिए, क्या पता एडमिशन ले ले और जस्ट एक साल के लिए मेरा एडमिशन यहाँ पे करवा दो। अगर ये एक साल के लिए मुझे मौका दे देंगे और अगर उसके बाद मैं फेल भी हो जाता हूँ तो मैं वापिस से गांव के स्कूल में पढ़ लूंगा, लेकिन एक साल के लिए मुझे मौका दिलवा दो।
तो पापा बोले कि ठीक है। तो हम वापस गए, वापस गए तो पापा ने वहां के प्रिंसिपल वगैरह से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। अब उनको भी पता ही था कि खास कुछ कर नहीं पाएगा। और फिर उसके बाद क्लासेस शुरू होती है, और क्लासेस शुरू होते ही मेरे दिमाग में इतना ज्यादा ट्रॉमा हो गया कि मुझे इंग्लिश में ढंग से कुछ नहीं आता है, और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट इंग्लिश के हैं। एंड क्योंकि जब आप बचपन से बहुत ज्यादा अच्छे रहते हो पढ़ाई में, तो आपकी ईगो भी उस चीज को नहीं ले पाती है कि अब आप इन बच्चों के बीच में बैठे हुए हो और आप इनसे कमजोर हो। तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज्यादा अंदर से बुरा लगने लग रहा था। तो शुरुआत हुई, आपको पता होगा आपके भी स्कूल में यूनिट टेस्ट होते होंगे, तो हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट होते थे, तो वीकली एक सब्जेक्ट है एक टेस्ट होता था। तो यूनिट टेस्ट होने लगे तो एक दिन भाई इंग्लिश का हुआ, एक दिन साइंस का हुआ, एक दिन एसएसटी का हुआ, मेरे नंबर वही 5, 7, 10, 25 में से इस हिसाब से आ रहे थे। फिर उसके बाद मैथ्स का टेस्ट हुआ, और मैथ्स का टेस्ट हुआ तो मेरे उसमें 25 में से 22 के आसपास नंबर थे। क्योंकि मैथ्स में अच्छी बात क्या रहती है कि आपको दिख जाता है कि इसमें शायद ये ही करना है, लेकिन और सब्जेक्ट में तो समझ में ही नहीं आता कि पूछना क्या चाह रहे हो। तो मैथ्स में मेरे 22 के आसपास नंबर आए। और फिर जिस दिन ये मार्क्स पता चले थे हमें, उसी दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। हम लोग कुछ बच्चे बैठे हुए थे पीछे और बात करने लग रहे थे तो अचानक से वो मैम आ गई जो उस क्लास को मैथ्स पढ़ाती थी, और उन्होंने बात करते हुए देख लिया और उन्होंने पकड़ के हम लोगों को पीट दिया। तो आपको पता ही है पहले तो पिटाई खूब होती थी, तो मेरे भी एक थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद, क्योंकि वो मैम उन सबको तो जानती थी क्योंकि वो बहुत पहले से वही पढ़ाई करने लग रहे थे, लेकिन वो मुझे नहीं जानती थी, तो वो बोली तुम नए आए हो। मैं बोला जी मैम। तो बोले कि यहाँ पे बैठ के बात करने आए हो ये, और वो मार्क्स कितने आए तुम्हारे मैथ में? बोला 22। बोले 25 में से 22 नंबर आए हैं? बोला जी। बोले फिर यहाँ पे बैठ के बातें क्यों करने लग रहे हो? अब बात का मार्क्स से क्या कनेक्शन है? तो ठीक है, पर उन्होंने उस दिन जो बोला उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने मेरे से पूछा कि और सब्जेक्ट में? मैं बोला मैम 10, 5 इतने ही आते हैं। तो बोली क्यों? मैंने कहा कि एक्चुअली मैं हरियाणा बोर्ड से हूँ और हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे और सब्जेक्ट उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, अगर आप मैथ्स में इतना अच्छा कर सकते हो तो आप और सब्जेक्ट में भी अच्छा कर सकते हो, आप बस मेहनत करो। एंड दीज वर द वर्ड्स दैट चेंज्ड माय लाइफ। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि अगर मैं इन बच्चों को मैथ्स में पीछे छोड़ सकता हूँ तो शायद मैं और सब्जेक्ट में भी छोड़ सकता हूँ। और फिर उससे लगभग एक वीक के बाद एसएसटी का टेस्ट था। And this is something I really want to share with all of you. जो SST का टेस्ट था उसके लिए मेरे पास लगभग एक हफ्ते का समय था, और जो ये एक हफ्ते का समय था, इस एक हफ्ते के समय में मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मेरे SST में सबसे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अब क्या हुआ कि मैं घर गया, और आपको पता है कि स्कूल में जब हम रहते हैं तो जो हमारे मार्क्स जो भी अपने टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें वही मटीरियल आता है या वही कंटेंट आता है जो जनरली सर ने या मैम ने क्लास में करवाया हुआ है, कुछ अलग से नहीं आता है उसके अंदर। तो कुछ अराउंड 21 या 22 क्वेश्चंस थे, दो चैप्टर का यूनिट टेस्ट था वो, तो उन दो चैप्टर्स के 21 या 22 क्वेश्चंस थे। वो 21 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये 21 क्वेश्चंस ही करने हैं मुझे अभी अच्छे से। तो लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत थी कि मुझे एक डर था कि मुझे इंग्लिश तो आती ही नहीं है। एंड देन मैंने क्या किया, मैंने जैसे क्वेश्चन था और उसका आंसर था, तो मैं क्या करने लगा, जैसे क्वेश्चन है तो मुझे एक, मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि मुझे हिंदी आती है, हिंदी मुझे अच्छे से याद हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उस क्वेश्चन को हिंदी में लिखा, अब हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं लिखा, उसको ऐसे लिखा जैसे लिखा हुआ दिस इज, तो दिस को द, फिर उसके मात्रा दिस इज, तो ई जे इज, तो इस तरीके से मैंने पूरे क्वेश्चन को लिख लिया ताकि मेरे माइंड में ये चीज सेट हो गई कि अब क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है। अब ये करने के बाद मैंने शुरुआत की उनको याद करने की। तो अभी मैं पहले एक लाइन याद करता था, फिर दूसरी लाइन याद करता था, फिर पूरे को रट्टा मारता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, व्हाट इज रिटर्न आई डोंट नो, बट मुझे ये जरूर था कि मुझे इसको रट्टा मार के जाना है, इस बार के टेस्ट में चाहे कुछ भी हो जाए मेरे से ज्यादा मार्क्स किसी के नहीं आने चाहिए। और ये एक जिद थी, और अगर आप भी एक जिद कर लेना तो इस दुनिया में बेटा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, जिद पकड़नी पड़ेगी आपको। मैंने वो जिद पकड़ ली थी कि इस टेस्ट में तो आग लगा देंगे। अब क्या हुआ कि वहां पे मैंने ऐसे रट्टा मारा, सारा क्वेश्चन याद हो गया, फिर मैंने उनके जो इंग्लिश में क्या लिखते हैं उनको एक एक को याद किया कि किसकी स्पेलिंग क्या, किसकी स्पेलिंग क्या, किसकी स्पेलिंग क्या।
फिर कम से कम मैंने टेस्ट में जाने से पहले 4 से 5 बार उन 21 क्वेश्चन को पूरा लिख लिख के देखा। मेरे पास 2 वीक का 1 वीक का समय था तो मैं इजिली इस चीज को कर पाया और मैं बिल्कुल भी बाहर खेलने वेलने कहीं नहीं जाता था। मेरा टारगेट फिक्स था ये करना है अभी भाई मुझे, तो वो हो गया। टेस्ट देके आया, मैं टेस्ट देके आया तो जब मैम वो जब मार्क्स बता रही थी तो जैसे मेरा नाम आया तो उन्होंने मुझे मार्क्स बताने के बजाय वो बोली बेटा आपने चीटिंग की है। बोला मैम चीटिंग तो नहीं की मैंने, तो बोले नहीं आपने चीटिंग की है क्योंकि जो मैंने लिखवाया हुआ है आपने सारी की सारी वो की वो चीजें लिखी हुई है। अब मैं बोला कि वो तो मैं याद करके आया था इसलिए मैंने लिखी हुई है। बोले तुम्हें एग्जैक्टली याद था क्या? मैं बोला जी अभी भी लिख के दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे से 1-2 क्वेश्चन लिखवाए, मैंने लिख दिए वो। तो वो मैम भी अचंभा कर रही थी कि मेरे 25 में से 24.5 मार्क्स थे जो कि उस क्लास के हाईएस्ट थे। अब वो बोली कि बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, पर तुम्हारे पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना हमने। तो मैंने उनको बताया कि देखिए मैं याद करके आया हूँ लेकिन ना मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो बोली कर जब तू इतना कर सकता है तो इंग्लिश भी तो समझ सकता है, ये कौन सी बड़ी बात है। एंड दैट वॉज द सेकेंड टाइम समवन सपोर्टेड मी। एंड देन मैंने सोच लिया था कि 1 साल में जी तोड़ मेहनत करने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो पापा ने घर पे एक डिक्शनरी ला रखी थी ऑलरेडी। मैं क्या करता था, जो भी इंग्लिश की बुक्स थी, अगर मेरे दोस्त स्कूल से आने के बाद उनको 2 घंटे पढ़ना पड़ता था तो मैं 6 से 7 घंटे पढ़ता था 6ठी क्लास में। और मैं खुद ही पढ़ता रहता था, ट्यूशन वगैरह कुछ थे नहीं उस टाइम पे उतने, तो मैं खुद ही पढ़ता रहता था। स्कूल से आया खुद ही उसको पढ़ने लगा, डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग देखे और याद कर लिया। अब जैसे धीरे 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 3 से 4-5 महीने हुए, क्योंकि मैं 5 महीने से बहुत ज्यादा मेहनत करने लग रहा था, मेरे लिए अब चीजें नॉर्मल हो गई थी। क्योंकि 5 महीने में वो इससे ज्यादा क्या ही रहेगा, 5 महीने में आ गए वर्ड्स पकड़ में, समझ में आने लगा, सब नॉर्मल हो गया मेरे लिए तो। और जैसे ये नॉर्मल हुआ अब मजा आने लग गया, अब मैं फिर से लग गया कि अब मुझे यहाँ पे भी टॉप करना है। अब टॉप करने की रेस जारी हो गई वहां पे। तो 6th क्लास का रिजल्ट आया, और 6th क्लास का रिजल्ट जब आया तो बेटा यहाँ पे हम रियल लाइफ की बातें करने लग रहे हैं। ये कोई मूवी नहीं है कि आप एक हिंदी मीडियम से आए हो और आप एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आके टॉपर बन जाओ डायरेक्टली। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई, चाहे मैंने कितनी भी पढ़ाई की हो लेकिन मेरी कुछ लिमिटेशंस थी और मेरी रैंक 6th आई क्लास के अंदर। एंड 6th आई तो मम्मी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई थी, तो मम्मी ने जाकर वहाँ पे टीचर ने बताया कि आपका बच्चा आया था हिंदी मीडियम से लेकिन अभी बहुत अच्छा पिकअप कर गया। और मैम ये बताने लग रही और मैं रोने लग रहा हूँ। तो मम्मी पूछ रही क्या हो गया, मैं बोला कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जिस दिन रिजल्ट आया हो उस दिन मुझे प्राइज ना मिला हो, आज ये पहली बार है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट आया है तो मुझे प्राइज नहीं मिला। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं अगले बार आ जाएगा। तो मैं बोला ठीक है देखते हैं। तो फिर अगला साल शुरू हो गया, अगले साल मैंने फिर से जी तोड़ मेहनत की, फिर से जी तोड़ मेहनत की। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बच्चे इस दुनिया में, कि आपकी मेहनत करने का ये मतलब नहीं है कि और लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना। हर जगह पे मेहनती लोग रहते ही हैं, और भीड़ से ऊपर उठ के आना आसान रहता है लेकिन जो ऊपर के मेहनती लोग हैं उनमें अपनी जगह बना पाना बहुत मुश्किल रहता है। आप 20 मार्क्स से 60 मार्क्स तक आसानी से पहुंच सकते हो लेकिन 90 से 100 पे पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ थी, मैं जबरदस्त मेहनत करने लग रहा था लेकिन एज यूजुअल जैसे कि आप लोगों भी बहुत सारे अपने साथ रिलेट कर पाते होंगे कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। एंड दिस वाज द सिचुएशन विद मी आल्सो। और किसी तरीके से कर करा के मैं 7th क्लास में 2nd रैंक आई मेरी। और जो ये फोटो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरी 7th क्लास का जब 2nd रैंक आई थी तब का फोटो है। अब उस दिन मैं मम्मी फिर से वापस मम्मी के साथ ही जाते थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्योंकि पापा तो आर्मी में थे। तो अभी वहां से फिर से मैं मम्मी के साथ पैदल चलते हुए वापस आ रहा था ये स्कूल से। एंड जब वापस आने लग रहे थे तो जब गांव में पहुंचे तो गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो कुछ औरतें मिली, मैं उस टाइम पे भी रोते हुए आने लग रहा था, तो कुछ औरतें मिली, उन्होंने मम्मी से पूछा क्या हो गया बच्चा क्यों रोने लग रहा, फेल वेल तो नहीं हो गया? तो मम्मी बोली कि नई क्लास में 2nd आया है लेकिन इसको दुख ये है कि 1st क्यों नहीं आया। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, आपको किसी चीज को लेके फाइट मारनी पड़ती है और एक जिद बनानी पड़ती है कि मुझे ये करना है। ऑब्वियसली फेलियर्स आएंगे,
देखो एक ड्रीम दुनिया में रहना अलग है, रियल लाइफ में रहना अलग है। रियल लाइफ में आप ही अकेले नहीं हो, और लोग भी मेहनत करने वाले हैं। बट अगर आप करते रहोगे तो एक दिन आएगा जिस दिन आप बहुत आगे निकल जाओगे। अब मैं सेकंड तो आ गया था लेकिन फर्स्ट नहीं आया था, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट आ रहा था वो लगभग LKG से लेकर 7th class तक हरदम ही फर्स्ट आ रहा था, वहीं पर पढ़ता था। अब उसके बाद 8th class से हुई, और 8th class में जब मैं गया, क्योंकि तब तक मुझे 2 साल हो चुके थे, बहुत कंफर्टेबल था मेरे लिए, सारी चीजें नॉर्मल थी। मैंने एक प्रण लिया कि इस बार ना तो कोई ऐसा टेस्ट होगा, ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा, ना ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसके अंदर मेरी फर्स्ट रैंक ना हो। ये मैंने एक वाव ली थी, और इसके बाद सेशन शुरू हुआ और भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर। और दूसरी चीज, मैं भी मेहनत जबरदस्त तरीके से करने लग रहा था, कोई टाइम पास नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, और ये का यही हुआ। 8th class में मेरे ना तो कोई ऐसा सब्जेक्ट हुआ, ना ही कोई ऐसा एग्जाम हुआ, और ना ही कोई ऐसा टेस्ट हुआ जिसके अंदर किसी के मेरे से ज्यादा मार्क्स आए हों क्लास के अंदर। जबकि हमारे स्कूल में कितने, हमारी क्लास में 2 या 3 सेक्शंस थे, 90 बच्चे थे लगभग, तो किसी के नहीं आए, मेरे ही आ रहे थे। अब ऑब्वियसली आप अगर हर टेस्ट में फर्स्ट आ रहे हो तो ओवरऑल भी फर्स्ट आती रहोगे। एंड देन 8th class का रिजल्ट आया, और 8th class का रिजल्ट आते ही उस स्कूल में जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ। मेरे और सेकंड रैंक के अंदर 108 मार्क्स का अंतर था, जबकि मैक्सिमम मार्क्स वाज 800। तो 800 में से आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर माय मार्क्स, बट इट वाज समथिंग अराउंड 97-98%। और जो दूसरा बच्चा था उसके 108 नंबर कम थे मेरे से। तो दिस वाज द गैप दैट आई हैड क्रिएटेड। और जब ये हुआ उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, हमने तो आग लगा दी। अब जब ये होता है ना, जब आप ये सोचने लगते हो कि अब तो आप बॉन्ड बन चुके हो, तब आपके अंदर एक अहंकार आता है, और वो अहंकार आपके डूबने का कारण भी बनता है। एंड सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई। मैं 8th class में बहुत अच्छा था पढ़ाई में, 9th class में आते हुए ही, क्योंकि मेरे अंदर वो ईगो आ गया था, अहंकार आ गया था, और कुछ गलत दोस्तों की संगत मुझे मिल गई, और धीरे धीरे मेरा पतन शुरू हो गया। एंड 9th class में तो, क्योंकि पिछला 9th class में तो आप अच्छे रहते हो पढ़ाई में, तो लगभग क्या हुआ, पढ़ गिर के मैं फिर से फर्स्ट आ गया 9th class में। लेकिन मुझे भी पता था कि मेरा पतन होने लग गया, अब मैं उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। और उसका इम्पैक्ट जहां पे दिखना चाहिए था वहीं पे दिखा। मेरे 10th class में 78% मार्क्स ही आए, और खेल खत्म। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहां तो आपके 78% मार्क्स आ गए, अब आप IIT खड़गपुर तक का सफर कैसे तय करेंगे? हमारे जीवन में कभी हम ऊपर उठेंगे, कभी हम नीचे गिरेंगे, लेकिन हमें नीचे गिरते टाइम कभी भी रुकना नहीं है। हमें पता रहना चाहिए कि जीवन का एक फेज है, ये भी गुजर जाएगा, अगर मैं लगा रहा तो मैं फिर से ज्यादा सक्सेसफुल हो पाऊंगा। और इसके लिए कि अब 10th में ऐसा क्या हुआ, क्या मैंने डिसीजन लिए जिसके कारण मैं IIT खड़गपुर तक पहुंचा। और जो मैं अपनी इस कहानी की अगली वीडियो डालने वाला हूं, वो मैं कुछ एक माइलस्टोन के ऊपर डालूंगा, या तो सब्सक्राइबर 2500 या 3000 कुछ ऐसे हो जाएंगे उस टाइम पे, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं अगर आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो। थैंक यू।